गांधी सूत किसे कहा गया है? वे मुनि की किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे? तो गांधी सूत यहाँ पर कौन है? विश्वामित्र जी। और विश्वामित्र जी मुनि यानी कि परशुराम जी के किस बात पर मन ही मन मुस्कुरा रहे थे? जब परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को कहा था कि मैं इस बालक यानी लक्ष्मण जी को सिर्फ आपके कारण छोड़ रहा हूँ, वरना मैं इसे अपने फरसे से वध करके अपने गुरु ऋण से मुक्त हो जाता। तो जब ये बात परशुराम जी ने विश्वामित्र जी को कही थी तो विश्वामित्र जी अपने मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। परशुराम जी की स्वभाव की क्या विशेषताएं हैं, पाठ के आधार पर लिखिए। तो पहला तो परशुराम जी बहुत ज़्यादा ही क्रोधी थे। उनको छोटी सी छोटी बात पर गुस्सा आ जाता था और वो सबके सामने अपना गुस्सा पर काबू नहीं कर पाते थे। दूसरा होगा कि वो दृढ़ निश्चयी थे। दृढ़ निश्चयी यानी कि एक बार जो ठान लेते थे वो करके ही रहते थे। तो उन्होंने ठान रखा था कि वो पृथ्वी पर से सारे क्षत्रिय राजाओं को मार देंगे, तो उन्होंने अपना वो काम भी पूरा किया था। तीसरा होगा कि वो अत्यंत वीर और शक्तिशाली थे, क्योंकि सभी राजाओं को मारना कोई छोटा मोटा काम नहीं होता है, तो इसलिए वो बहुत ज़्यादा ही वीर थे और शक्तिशाली थे। चौथा होगा कि वो बाल ब्रह्मचारी थे और बरबोले थे। बरबोले यानी कि जो बहुत बोलता है। तो वो बात बात पर अपने शक्ति का प्रदर्शन कर रहे थे और अपने आप को बढ़ा चढ़ा कर सबके सामने बता रहे थे, इसलिए वो बरबोले थे। और बाल ब्रह्मचारी मतलब कि जो शादी नहीं करते उनको बाल ब्रह्मचारी बोला जाता है। पांचवा होगा कि उनमें विवेक का अभाव था, यानी कि विवेक की कमी थी और वो अच्छाई और बुराई में अंतर नहीं कर पाए थे। तो ये थी परशुराम जी की विशेषताएं। अयमय खांड न उखमय से आप क्या समझते हैं और यह वाक्य किसके लिए उपयोग हुआ है? तो अयमय खांड न उखमय यह बात किसने सोची थी? विश्वामित्र जी ने सोची थी उस समय जब परशुराम जी ने बोला था कि वो पल भर में लक्ष्मण को मार डालेंगे। तो परशुराम को यह कहता हुआ देख विश्वामित्र जी सोचते हैं कि परशुराम जी ने कितनी सरलता से कह दिया कि अपने फरसे से वो लक्ष्मण को मार डालेंगे, किंतु वो समझते नहीं हैं कि लक्ष्मण जी जो है वो गन्ने की रस की खांड नहीं है, बल्कि वो लोहे का बना हुआ खांड है, यानी कि तलवार के समान है जिसे काट पाना इतना आसान नहीं है। लक्ष्मण ने वीर योद्धा की क्या विशेषताएं बताई हैं? तो पहला उन्होंने बताया था कि जो सच्चे शूरवीर होते हैं वो युद्ध भूमि में अपनी वीरता का प्रदर्शन करते हैं। दूसरा कि वे आत्म प्रशंसा नहीं करते और ना ही अपनी झूठी शान दिखाते हैं। तीसरा वे धैर्यवान होते हैं। चौथा उनका जीवन कर्म पर आधारित होता है, यानी कि वो अपना वीरता का परिचय युद्ध भूमि में देते हैं। वे शत्रु के सामने अपनी वीरता का वखान नहीं करते। और पांचवा सच्चे वीर कमज़ोर पर वार नहीं करते। लक्ष्मण कुंभर बतिया और तर्जनी के उदाहरण से अपनी किस बात को सिद्ध करना चाहते हैं और क्यों? तो इसका आंसर होगा कि लक्ष्मण कुंभर बतिया और तर्जनी के उदाहरण से ये स्पष्ट करना चाहते हैं कि वो कद्दू के फूल के समान नहीं है जो तर्जनी उंगली के दिखाने से मुरझा जाएगा। वे एक शूरवीर और क्षत्रिय वंशी हैं, इसलिए परशुराम के फूंक मारने से वो उड़ नहीं जाएंगे। वो पहाड़ की तरह कठोर और शक्तिशाली हैं। परशुराम जी बेकार में ही डींगे मारकर उन्हें डराने धमकाने की कोशिश कर रहे हैं। लक्ष्मण के अनुसार वीर योद्धा की क्या क्या विशेषताएं परशुराम में नहीं हैं? पहला होगा वीरों के समान परशुराम वीरता का प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं, सिर्फ उसका बखान कर रहे हैं। दूसरा पॉइंट होगा कि जो वीर योद्धा होते हैं वो युद्ध भूमि में संग्राम करते हैं, ना कि डींगे मारते हैं। तीसरा पॉइंट होगा कि वीर अपनी प्रशंसा स्वयं नहीं करते। परशुराम के क्रोध का मूल कारण क्या था? मूल कारण यानी कि मेन जो रीज़न था वो क्या था? तो परशुराम के क्रोध का जो मूल कारण था शिवजी का धनुष का टूट जाना। लक्ष्मण ने परशुराम को धनुष के टूट जाने के लिए
क्या क्या तर्क दिए, तर्क यानी कि रीज़न। तो पहला होगा कि उन्होंने कहा कि भैया राम ने तो इसे नया धनुष समझकर केवल हाथ ही लगाया था और यह पकड़ते ही टूट गया। दूसरा होगा कि उन्होंने ये भी कहा था, हमने तो बचपन में ऐसे कई धनुष तोड़े हैं, हमें तो इसमें कोई विशेष बात नज़र नहीं आई। तीसरा होगा कि हमें नहीं पता था कि ये विशेष शिव धनुष है, हमने तो इसे साधारण ही समझा था। लक्ष्मण के स्थान पर यदि आप होते तो परशुराम से कैसा व्यवहार करते और क्यों? तो इसका आंसर ऐसे होगा कि लक्ष्मण जो थे वो भी क्रोधी स्वभाव के थे और परशुराम जी भी अत्यंत क्रोधी थे। उन्हें अपनी मर्यादा का भी ज्ञान नहीं था। परशुराम जी के क्रोध में लक्ष्मण जी का जो वचन था वो आग की तरह काम कर रहा था। ऐसे में क्रोध को क्रोध से जीता नहीं जा सकता। लक्ष्मण के स्थान पर यदि मैं होता तो या होती तो निश्चित रूप से मेरा व्यवहार विनम्रता पूर्वक होता, क्योंकि साहस और शक्ति को विनम्रता और मधुरता से भी जीता जा सकता है। विनम्रता साहस और शक्ति को उद्दंड बनने से रोक सकती है, यानी कि बढ़ने से रोक सकती है, गुस्से को बढ़ने से रोक सकती है। मैं विनम्रता पूर्वक मधुर व्यवहार से परशुराम जैसे क्रोधी व्यक्ति को भी शांत कर देता। तो इसका आंसर ऐसे कुछ होगा। तुम लोग चाहो तो अपने मन से कुछ और भी लिख सकते हो। राम ने लक्ष्मण का बचाव कब और कैसे किया? तो जब परशुराम जी का क्रोध रूपी अग्नि बढ़ने लगा लक्ष्मण जी के मजाक पूर्वक उत्तर सुनकर, तब उनकी बढ़ती अग्नि को देखकर यानी उनके बढ़ते क्रोध को देखकर, गुस्से को देखकर राम जी लक्ष्मण जी को बचाने के लिए आगे आते हैं और वो अपनी मधुर आवाज़ में बोलकर परशुराम जी के गुस्से को शांत कर देते हैं। लक्ष्मण ने परशुराम से किस प्रकार क्षमा याचना की और क्यों? लक्ष्मण ने कहा कि देवता, ब्राह्मण, भगवान के भक्त और गाय, इन पर हमारे कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती, क्योंकि इन्हें मारने पर पाप लगता है और इनसे हारने पर अपयश होता है, अपमान होता है। इसलिए आप मारे भी तो आपके पैर ही पड़ना चाहिए। हे महामुनि, मैंने कुछ अनुचित कहा हो तो धैर्य धारण करके मुझे क्षमा करना। तो ऐसे लक्ष्मण जी ने परशुराम जी से क्षमा मांगी थी। परशुराम ने अपना भुजबल सिद्ध करने के लिए कौन सा उदाहरण दिया? तो परशुराम जी ने अपना भुजबल दिखाने के लिए कहा कि उनका यह जो फरसा है इसी ने सहस्त्रबाहु की भुजाओं को काटा था, और इस फरसे की सिर्फ आवाज़ से ही गर्भ में पलने वाला जो बच्चा है वो मर सकता है। तो ऐसा कहकर उन्होंने अपना भुजबल सिद्ध किया था। लक्ष्मण को वध योग्य यानी मारने योग्य बताने के लिए परशुराम जी क्या क्या तर्क देते हैं, तर्क यानी कि रीज़न। तो परशुराम जी लक्ष्मण को मूर्ख और स्वभाव से टेढ़ा कहते हैं। उन्हें कुल का कलंक बताते हुए यह भी कहते हैं कि इस पर किसी का नियंत्रण नहीं है, यह अज्ञानी है, क्षत्रिय कुमार है। लक्ष्मण जी क्षत्रिय थे, इसी कारण वो परशुराम जी के शत्रु के समान थे। इसने परशुराम जी का खिल्ली उड़ाई है, इसने परशुराम जी का मजाक उड़ाया है। इन सब कारणों को बताकर परशुराम जी लक्ष्मण को वध के योग्य बताते हैं, यानी कि मारने के योग्य बताते हैं। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। इसके अलावा एग्ज़ाम में एक पैराग्राफ दे दिया जाता है और उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी पूछ लिया जाता है। तो ये सब क्वेश्चंस तुम लोग तभी दे पाओगी जब तुम लोग पोएम को अच्छी तरह से समझोगे। तो पोएम को समझने के लिए तुम लोग जाकर मेरा वीडियो देख सकते हो, मैंने बहुत ही अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। तो वीडियो देख लेना, तभी तुम ये पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस जो आते हैं उसका आंसर दे पाओगे। तो मैं 2-3 पैराग्राफ रिलेटेड क्वेश्चंस भी करवा देती हूँ। नाथ शंभु धनु भंज निहारा, होई केउ एक दास तुम्हारा, आयेसु काह कहिए किन मोही, सुनि रिसाई बोले मुनि कोही, सेवको जो सो करे सेवकाई, अरि करनी करी करिय लड़ाई, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा, सहस्त्र बाहु सम सोरिपु मोरा। तो इस पद्यांश के आधार पर राम के स्वभाव की 2 विशेषताओं का उल्लेख कीजिए। तो पहला होगा कि राम जो है वो स्वभाव से बहुत ही विनम्र थे और वो मधुर वाणी बोलते थे।
परशुराम के सामने स्वयं को एक दास कहकर उन्होंने अपनी विनम्रता का परिचय दिया है। दूसरा पॉइंट होगा कि राम जो है वो बहुत ही धैर्यवान थे। कैसे? क्योंकि जब परशुराम जी इतना गुस्सा हो गए थे, उसके बावजूद भी उन्होंने उनसे विनम्रता पूर्वक बात करते हुए उनके गुस्से को शांत करने की कोशिश की थी। तो ये था दो पॉइंट्स। दूसरा क्वेश्चन, परशुराम ने सेवक और शत्रु किसको कहा है? परशुराम ने सेवक उसे कहा है जो अपने स्वामी की सेवा करे और उसे खुश रखे। परशुराम के लिए शत्रु वह है जिसने शिव के धनुष को तोड़ा है। उनकी दृष्टि में, उनके नज़र में वह सहस्त्रबाहु के समान उनका शत्रु है। तो ये था इसका आंसर। सहस्त्रबाहु कौन था? तो सहस्त्रबाहु जो था वो बहुत ही शक्तिशाली राजा था। उनके गुरु यानी कि सहस्त्रबाहु के गुरु जो थे दत्तात्रेय ने उन्हें वरदान के रूप में उन्हें सहस्त्र भुजाएं प्रदान की थी। सहस्त्र यानी 1000 और भुजाएं यानी कि हाथ, यानी 1000 हाथ उन्हें दिया था। वह एक वीर शक्तिशाली योद्धा था। परशुराम का वह शत्रु था क्योंकि उसने परशुराम के पिता के आश्रम से कामधेनु गाय को बलपूर्वक उठा लिया था। परशुराम ने क्रोध में आकर फरसे से उसका वध कर दिया था। ओके, तो ये था सहस्त्रबाहु के बारे में। पुनि पुनि मोहि दिखाओ कुठारू, चहत उरावन फुकी पहारू, इहां कुंभरवतिया को नाही, जे तर्जनी देखी मरी जाही। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कुछ कहत सहित अभिमाना, भृगुसुत समझु जनेउ बिलोकी, जो कछु कहउ सहेउ रिसरोकी, सुर महिषासुर हरिजन और गाई, हमरे कुल इन पर न सुराई। चहतु रावण फुकी पहारू, इस लाइन में लक्ष्मण ने किस भाव का वर्णन किया है? तो इसका आंसर होगा कि चहतु रावण फुकी पहारू, इन पंक्ति में लक्ष्मण ने कहा है कि वे कोई कमज़ोर बालक नहीं हैं, वो पहाड़ जैसे मजबूत और वीर हैं, और वो परशुराम जी के क्रोध में पुकारने से वो उड़ नहीं सकते हैं। दूसरा क्वेश्चन, कुंभरबतिया का अर्थ स्पष्ट करके बताइए कि वह चौपाई में किसका प्रतीक है? तो कुंभरबतिया मतलब कद्दू का छोटा सा फूल होता है और वो बहुत ही कोमल होता है। तो इस कविता में उसका अर्थ है कि कुंभरबतिया की तरह कमज़ोर नहीं है जो उनके गुस्से से डर जाएंगे। कौन? लक्ष्मण जी कहते हैं कि वो कुंभरबतिया की तरह कमज़ोर नहीं है जो परशुराम जी के गुस्से से डर जाएंगे। तो इस चौपाई में राम लक्ष्मण को कमज़ोर ना बताने के लिए यहाँ पर कुंभरबतिया का प्रयोग किया गया। लक्ष्मण ने परशुराम के किन हथियारों को देखा और क्या कहा? तो लक्ष्मण ने परशुराम के धनुष बाण और फरसे को देखा और कहा कि आपने इन्हें व्यर्थ में ही धारण किया है, बेकार में ही इन्हें धारण किया है। आप तो इतने कठोर वचन बोलते हैं जिन्हें सुनकर शत्रु स्वयं ही आपके पैरों में आ गिरेंगे। भृगुसुत समझु जनेऊ बिलोकी का आशय समझाइए। तो भृगुसुत समझी जनेऊ बिलोकी का आशय यह है कि जो लक्ष्मण जी होते हैं वो परशुराम जी से कहते हैं कि उन्होंने तो उनको भृगुसुत यानी कि ब्राह्मण समझकर और उनके जनेऊ को देखकर अपने क्रोध को वश में कर रखा था, क्योंकि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता का प्रदर्शन नहीं किया जाता है। चौपाई में लक्ष्मण के कुल की क्या विशेषताएं बताई गई हैं? तो इस चौपाई में लक्ष्मण के कुल की विशेषताएं बताई गई हैं कि उनके कुल में देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर अपनी वीरता नहीं दिखाई जाती, वे सब पूजनीय माने जाते हैं। बालकु बोली बधे नहीं तो ही, केवल मुनि जर जा नहीं मोही, बाल ब्रह्मचारी अति कोही, विश्व विदित क्षत्रिय कुल द्रोही, भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, विपुल बार मही देव न दिन्ही, सहस्त्र बाहु भुज छेद निहारा, परसु बिलोकी महिप कुमारा। तो इस पैराग्राफ में किसका किसके प्रति संबोधन है? तो इस पैराग्राफ में यानी कि इस काव्यांश में परशुराम लक्ष्मण को संबोधित कर रहे हैं। दूसरा क्वेश्चन, परशुराम की किन्हीं दो विशेषताओं का उल्लेख कीजिए, यानी कि कोई भी दो विशेषताओं के बारे में बताइए। तो पहला पॉइंट होगा कि परशुराम जी जो है वो बहुत ज़्यादा ही क्रोधी थे
और दूसरा कि वो अत्यंत वीर और साहसी थे। उन्होंने कई बार भूमि को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, यानी कि सारे क्षत्रिय कुल को नाश कर दिया था। तीसरा क्वेश्चन, परशु की क्या विशेषता थी, लिखिए। तो परशु अर्थात परशुराम के फरसे को कहा गया है। तो उसकी यह विशेषता थी कि उसने सहस्त्र बाहु की भुजाओं को काट दिया था और यह फरसा गर्भ में पलने वाले शिशु को भी नष्ट करने की क्षमता रखता था। भुजबल भूमि भूप बिनु किन्ही, इस लाइन में अलंकार बताइए। तो यहाँ पर भ जो वर्ड है वो बार बार प्रयोग हो रहा है, इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए ये अनुप्रास अलंकार है। आशय स्पष्ट कीजिए, केवल मुनि जर जा नहीं मोही। इसका क्या मीनिंग है कि परशुराम जी जो है वो बहुत ज़्यादा ही गुस्से में होकर लक्ष्मण जी से कहते हैं कि तुम मुझे केवल मुनि समझने की भूल मत करना, मैं बाल ब्रह्मचारी और बहुत क्रोधी हूँ। सारा संसार यह जानता है कि मैंने इस धरती में राजाओं का विनाश करके इसे ब्राह्मणों को दान में दे दिया था। तो यहाँ पर कौन से राजा होंगे, क्षत्रिय राजा, यानी उन्होंने सारे क्षत्रिय राजाओं का विनाश करके उनकी जो भूमि थी उसे ब्राह्मणों में दान कर दिया था। तो ऐसे ही आपके बुक से कोई भी पैरा उठाकर दे दिया जाएगा और उससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा। तो इसके लिए आपको जो है पोएम को समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं फिर से एक बार कह रही हूँ, जिन्होंने अभी तक नहीं देखा है जाकर वीडियो देख लो, मैंने अच्छे से समझा दिया। एक बार अगर तुम लोग को पोएम समझ में आ जाएगा तो इससे रिलेटेड सारे क्वेश्चंस तुम लोग आसानी से सॉल्व कर पाओगे। लखन कहेऊ मुनि सुजसु तुम्हारा, तुमही अछत को बैरन पारा, अपने मुँह तुम अपनी करनी, बार अनेक भांति बहुबर्णी, नहीं संतोषु तब पुनि कुछ कहऊ, जनि ऋषि रोग की दुखह दुख सहु, वीर व्रति तुम धीर अछोभा, गारी देत न पावहु शोभा। तो पहला क्वेश्चन है कि लक्ष्मण परशुराम को ही उनका अपना यश बखानने में समर्थ क्यों मानते हैं। यश बखाने यानी कि अपनी ही बड़ाई करने का सामर्थ उनमें है, ये लक्ष्मण जी क्यों मानते हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि परशुराम खुद की वीरता की प्रशंसा खुद कर सकते हैं और कोई और नहीं कर सकता। ऐसा वे व्यंग में कहते हैं, यानी मजाक में कहते हैं। आपके विचार से लक्ष्मण का कौन सा कथन सर्वाधिक व्यंग्यतापूर्ण है, यानी कि कौन सी बात जो है वो सबसे मजाक वाली है। तो हमारे विचार से लक्ष्मण का यह कथन सर्वाधिक व्यंग्यतापूर्ण है कि यदि आपको आत्म प्रशंसा से अभी तक संतोष न हुआ तो फिर से कुछ कह डालिए, मन में रोक कर दुख ना सहिए। यानी कि उन्होंने कहा था ना परशुराम जी से कि अगर आपके मन में अभी भी अपने बारे में कुछ कहना रह गया है, कुछ बाकी है, तो कह डालिए, उसे अपने मन में रोक कर मत रखिए और दुख मत सहिए। तो ये बात जो है वो सबसे ज़्यादा मजाक पूर्ण है और यही पूछा गया, तो ये लिख देना। अपने मुँह अपना गुणगान करने वाला समाज में क्या कहलाता है, तो इसका आंसर होगा सिंपल सा, डींगे हाँकने वाला कायर कहलाता है। एक और क्वेश्चन आ सकते हैं इस पैराग्राफ से कि लक्ष्मण ने परशुराम के किन गुणों की ओर संकेत किया है। तो लक्ष्मण ने परशुराम को आत्म प्रशंसक, क्रोधी, डींगे हाँकने वाला कहा है। वो कहते हैं कि परशुराम जी आप जो है वो वीर हैं और आपको गाली देना शोभा नहीं देता। इसके बाद आता है कुछ MCQ क्वेश्चंस। पहला है, परशुराम के क्रोध करने पर किसने धनुष के टूट जाने के लिए तर्क दिया, तर्क यानी कि रीजन। ऑप्शन नंबर 1 राम, ऑप्शन 2 लक्ष्मण, ऑप्शन 3 ऑप्शन 2, ऑप्शन 4 1 और 2 बोथ। तो इसका आंसर होगा परशुराम के क्रोध करने पर लक्ष्मण ने धनुष के टूट जाने का तर्क दिया। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 लक्ष्मण। वीर योद्धा की विशेषताएं किसने बताई, 1 लक्ष्मण, 2 राम, 3 राम एंड लक्ष्मण दोनों, 4 परशुराम। तो आंसर होगा लक्ष्मण ने वीर योद्धा की विशेषताएं बताई, यानी कि ऑप्शन 1। साहस और शक्ति के साथ क्या होना बेहतर है, ऑप्शन 1 दिमाग, 2 क्षमता, 3 विनम्रता, 4 लक्ष्य। तो सही ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर 3 विनम्रता। बालकु बोली बधे नहीं तोई, इसमें कौन सा अलंकार है, तो ऑप्शन 1 उपमा अलंकार, 2 अनुप्रास अलंकार,
3 उत्प्रेक्षा अलंकार, 4 उपमा और अनुप्रास अलंकार। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 अनुप्रास अलंकार, क्योंकि ब यहाँ पर बार बार रिपीट हो रहा है। शंभुधनु का शब्दार्थ इसमें कौन सा है? ऑप्शन 1 भंग करने वाला, 2 शिव का धनुष, 3 शत्रु, 4 क्रोध। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 शिव का धनुष, यानी शंभुधनु का मीनिंग होता है शिव का धनुष। तुलसीदास के आराध्य देव कौन थे? ऑप्शन 1 श्री कृष्ण, ऑप्शन 2 शिव, ऑप्शन 3 दशरथ सूत श्री राम, ऑप्शन 4 निर्गुण ईश्वर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 दशरथ सूत श्री राम। हे नाथ, शिव धनुष को तोड़ने वाला तुम्हारा ही कोई दास होगा, यह शब्द किसने किससे कहा है? ऑप्शन 1 जनक ने परशुराम को, 2 राम ने परशुराम को, 3 लक्ष्मण ने राम को, 4 हनुमान ने जनक को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 2 राम ने परशुराम को। परशुराम को क्या देखकर गुस्सा आता है? ऑप्शन 1 टूटे हुए शिव धनुष को देखकर, ऑप्शन 2 श्री राम को देखकर, ऑप्शन 3 स्वयंवर आयोजन को देखकर, ऑप्शन 4 लक्ष्मण को देखकर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 1 टूटे हुए शिव जी के धनुष को देखकर। परशुराम ने सेवक किसे कहा है? ऑप्शन 1 जो सम्मान करे, ऑप्शन 2 जो आज्ञा का पालन करे, ऑप्शन 3 जो सेवा करे, ऑप्शन 4 जो कुछ भी ना करे। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो सेवा करे। सहस्त्रबाहु कौन था? ऑप्शन 1 ब्राह्मण, 2 देवता, 3 राक्षस, 4 किसान। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 राक्षस। तुलसीदास जी ने भृगुकुल के ध्वज किसे कहा है? ऑप्शन 1 राजा जनक को, ऑप्शन 2 श्री राम को, 3 रावण को, 4 परशुराम को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 4 परशुराम को। परशुराम के क्रोध को किसने शांत करने का प्रयास किया था? ऑप्शन 1 श्री राम ने, 2 राजा जनक ने, 3 लक्ष्मण ने, 4 विश्वामित्र ने। तो सही ऑप्शन है 1 श्री राम ने। लक्ष्मण ने सभी धनुष को कैसा बताया है? 1 नया, 2 समान, 3 पुराना, 4 अच्छा। तो सही ऑप्शन है 2 समान। परशुराम लक्ष्मण का वध क्या समझकर नहीं करते हैं? ऑप्शन 1 बालक, ऑप्शन 2 ब्राह्मण, ऑप्शन 3 राजकुमार, ऑप्शन 4 कायर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 बालक। परशुराम अपने आप को किस कुल का द्रोही यानी कि दुश्मन कहते हैं? ऑप्शन 1 ब्राह्मण, ऑप्शन 2 शुद्ध, ऑप्शन 3 वैश्य, ऑप्शन 4 क्षत्रिय। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 क्षत्रिय। देवता, ब्राह्मण, भक्त और गाय पर किस कुल में वीरता नहीं दिखाई जाती थी? ऑप्शन 1 चौहान कुल में, ऑप्शन 2 रघुकुल में, ऑप्शन 3 आर्य कुल में, ऑप्शन 4 भृगु कुल में। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2 रघुकुल में। परशुराम ने सूर्यवंश का कलंक किसे कहा है? 1 लक्ष्मण को, 2 राम को, 3 विश्वामित्र को, 4 सीता को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 लक्ष्मण को। अहो मुनीसु महाभटमानी, ये शब्द किसने कहे हैं? ऑप्शन 1 राजा जनक ने, ऑप्शन 2 विश्वामित्र ने, ऑप्शन 3 लक्ष्मण ने, ऑप्शन 4 श्री राम ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन 3 लक्ष्मण ने। श्री राम ने किसके धनुष को तोड़ा था? 1 परशुराम के, 2 शिव के, 3 ब्रह्मा के, 4 विष्णु के। तो सही ऑप्शन है 2 शिव के। किसके वचन कोटि कुलीस के समान हैं? 1 राजा जनक के, 2 परशुराम के, 3 श्री राम के, 4 सीता के। तो सही ऑप्शन है 2 परशुराम जी के। परशुराम जी ने मंद बुद्धि बालक किसे कहा है? 1 राम को, 2 लक्ष्मण को, 3 शत्रुघ्न को, 4 भरत को। तो सही ऑप्शन है 2 लक्ष्मण को। युद्ध क्षेत्र में शत्रु को देखकर कौन अपनी प्रशंसा करता है? ऑप्शन 1 कायर, ऑप्शन 2 वीर, ऑप्शन 3 निडर, ऑप्शन 4 कमजोर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 1 कायर। परशुराम ने गुरुद्रोही किसे कहा है? 1 श्री राम को, 2 राजा जनक को, 3 लक्ष्मण को, 4 रावण को। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 लक्ष्मण को। लक्ष्मण ने परशुराम के किस स्वभाव पर व्यंग्य किया है? ऑप्शन 1 चाटुकारिता,
ऑप्शन फोर बड़बोलापन, ऑप्शन थ्री आलसीपन, ऑप्शन फोर मधुर। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू बड़बोलापन, यानी बहुत बोलने पर। कौशिक शब्द किसके लिए प्रयोग हुआ है? ऑप्शन वन विश्वामित्र के लिए, ऑप्शन टू परशुराम के लिए, ऑप्शन थ्री लक्ष्मण के लिए, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन विश्वामित्र के लिए। भृगुकुल केतु किसे कहा गया है? ऑप्शन वन राज्यसभा को, ऑप्शन टू परशुराम को, ऑप्शन थ्री ब्राह्मण को, ऑप्शन फोर सभी। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर टू परशुराम को। लक्ष्मण ने ऋण चुकाने के लिए परशुराम से किसे बुलाने के लिए कहा? ऑप्शन वन गुरु, ऑप्शन टू देवता, ऑप्शन थ्री ब्राह्मण, ऑप्शन फोर इनमें से कोई नहीं। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर वन गुरु को। परशुराम को नाथ कहकर किसने संबोधित किया है? ऑप्शन वन लक्ष्मण ने, ऑप्शन टू विश्वामित्र ने, ऑप्शन थ्री दोनों ने, ऑप्शन फोर श्री राम ने। तो सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर फोर श्री राम ने। तो ये तो थे कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस इस पोएम से रिलेटेड, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आपको पोएम नहीं पढ़ना है, जाकर पोएम का वीडियो देख लेना, अच्छे से समझा दिया है मैंने। क्योंकि ऐसे पैराग्राफ से रिलेटेड क्वेश्चंस किसी भी पैरा से पूछा जा सकता है, इनफैक्ट आता भी है, तो जाकर देख लेना। तो बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप चैनल पर न्यू आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना।